इलाहाबाद बैंक का बैंक मित्र 50 लाख रुपए हड़प कर हुआ फरार। सीतापुर में बैंक कर्मचारियों का बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। बैंकों के कर्मचारियों की लापरवाही से जनता का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि बैंक प्रबंधक ने इन्हें क्षमता से अधिक छूट दे रखी है। आपको बताते चलें कि सीतापुर में मचरेहटा क्षेत्र के राला माऊ की इलाहाबाद बैंक की शाखा का मामला, जहां बैंक मित्र द्वारा लाभार्थियों के खाते से लगभग 50 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मचरेहटा निवासी अंकित सिंह इलाहाबाद बैंक शाखा राला माऊ के बैंक मित्र के तौर पर केंद्र संचालित करता है। आरोप है कि अंकित सिंह व बैंक शाखा प्रबंधक तथा बैंक कर्मचारियों ने धोखाधड़ी करके लाभार्थियों की बैंक पासबुक में फर्जी एंट्री करके लाभार्थियों के खाते से काफी धनराशि हड़प ली है। वहीं लाभार्थियों की माने तो जब खाता धारक पैसा जमा करने के लिए आए तो बैंक मित्र ने पैसा तो रख लिया, लेकिन पैसा खाते में न डालकर पासबुक पर ही एंट्री कर दी। इसकी जानकारी लाभार्थियों को तब हुई जब वह अपने खाते का स्टेटमेंट चेक करने के लिए बैंक आए। ऐसे में बात करने पर बैंक मित्र अंकित सिंह केंद्र बंद करके मौके से फरार हो गया। वहीं खाता धारकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस द्वारा खाता धारकों को बैंक मित्र के खिलाफ मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश सिंह। आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं क्या? पूर्व प्रधान हैं ग्राम पंचायत। आपके गांव में ही घटना हुई है ये जो हुई है? हमारे गांव में ही घटना हुई है। हमारे दरवाजे पे ये बीसी चला रहे थे अंकित सिंह, जो इतना बड़ा फ्रॉड किया है, हमारे गांव पंचायत पूरी शिकार हुई है। उनका व बैंक शाखा के कर्मी व बैंक शाखा प्रबंधक सभी लोगों ने मिलकर ये फ्रॉड किया है। कितने रुपयों की लगभग अंदाजा कुछ आंकड़े हैं बता सकते हैं? कितना कितना गमन हुआ है? लगभग 50 लाख से ऊपर का मामला चल रहा है अभी, जो है अभी घटता बढ़ता भी जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। इस घटना के कितने लोग शिकार हुए हैं? लगभग 200 लोग शिकार हो चुके हैं। बैंक शाखा प्रबंधक व बैंक कर्मी व अंकित सिंह सभी का जो है मिल करके ये जो जिसने फ्रॉड किया है, रहने वाला कहाँ का है कुछ पता है? कस्बा मचेटा का रहने वाला है। बैंक मित्र को पैसा जमा किया था और उसके बाद तब इन्होंने बैंक अकाउंट चेक करने गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा नहीं मिला था। लगभग अभी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 200 लोग इसमें प्रभावित है और लगभग 1 करोड़ के ऊपर पैसा उनके खाते में गायब हो गया है। तो इसमें मुकदमा लिखा गया है और इसमें एक बैंक मित्र अंकित सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और एक इन्वेस्टिगेशन जारी है।